या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 458। थर्सडे 3rd of August year 2000, my wife in Westport in Connecticut in United States. मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों को मिल के, अच्छी जमात है। आज मैं इंशाल्लाह आपको कुछ बातें सुनूंगा। मोमिनों, याद रखो कि हम एक ऐसी दुनिया में आए हैं कि जिस दुनिया के अंदर गुनाह बहुत है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो इलाका है। इस इलाके के अंदर गुनाह बहुत है और इसके लिए हमेशा मौला की प्रोटेक्शन लेते रहो। नबी मोहम्मद बुझो भाई, तो तमें पामो इमाम, मुशरिक मन तो काफिर कहिए, मोमन दिल कुरान, इलाही भेद संतवना मली जय। बोला नाजर इमाम पे सलात पढ़ो। दिनदार आप मोमिन हो सब, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो ईमान है उसके साथ समझ होनी चाहिए। मौलाना हज़रत इमाम मुर्तज़ाली के जमाने से लेके हमारे हर इमाम ने इस जामे तक हमको ये कहा कि तुम अक्ल से अपने मजहब को समझो। हज़रत इमाम कितना फरमाया कि तुम्हारा जो मजहब है वो इंटेलेक्ट यानी अकल के साथ लगा है, और अकल से हमें अपने मजहब को समझना चाहिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। जब हमारे अंदर इल्म और अक्ल दोनों चीजों की जरूरत है, जब हम इन चीजों के अंदर यानी अपने मजहब को समझते नहीं, तो शैतान के फरेब में आना इजी हो जाता है। आज की दुनिया ऐसी है कि कम्युनिकेशन बहुत है, लोग घूमते हैं, फिरते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये बात के लिए कि हमारे यहाँ लगभग 1 लाख इस्माइली की आबादी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा मिला के बोलता हूँ, लेकिन जब किसी जवान को, किसी आदमी को, औरत या मर्द को कोई मुसलमान कभी ये पूछता है कि भाई तुम तो मुसलमान नहीं हो, तो हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। क्या हम मुसलमान हैं? हाँ, तो उसको कहो ना कि हम मुसलमान हैं। तो जब ये कहोगे कि हम मुसलमान हैं, तो वो कहेगा तुम तो नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर क्या बोलोगे? उसको कहो हम नमाज पढ़ते हैं। नहीं नहीं, तुम नमाज नहीं पढ़ते। अब यहां हमें ये इल्म होना चाहिए कि नमाज क्या है। कुरान पाक के अंदर नमाज का लफ्ज नहीं है। यह लफ्ज ईरानियों ने जब वो आग की पूजा करते थे, जैसे कि पारसी लोग हैं, उनके मजहब में इबादत को नमाज कहते हैं। अल्लाह ने सलात का लफ्ज यूज किया है कुरान में, और सलात का मतलब होता है दुआ मांगना।
और हम दुआ पढ़ते हैं, खुदा के पास दुआ मांगते हैं, पहले उसकी तारीफ करते हैं, फिर हम दुआएं मांगते हैं, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे को रोजी रिज़क में बरकत दे, हमारी हिफाजत कर। ये दुआ मांगना ये इबादत है, इसी को सलात कहते हैं। नमाज का लफ्ज बराबर नहीं है, लेकिन मुसलमान यूज करते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं अमूमन सुन्नी हैं, और उनके अंदर ये नमाज का लफ्ज बहुत है। हमारे सामने इजी में इजी हथियार ये है कि तुम इस्माइली लोग, तुम लोग मुसलमान नहीं, क्यों तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते? अरे भाई, हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और हम अपनी रोजी कमाई में से खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़कात और दस्तूम देते हैं, तुम तो खा जाते हो। मुसलमानों को जानना चाहिए हमें कि वो क्या है और क्या कर रहे हैं। खुदा की कसम, अगर हम अपना इस्माइली मजहब समझ लें तो आपके सामने दुनिया का कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान फैले हुए हैं। मैं तमाम मुसलमान कंट्रीज को देख चुका हूं, नमाजें पढ़ने वाले बहुत थोड़े हैं। हम अगर अपने मजहब को देखें तो खुदा के फजल करम से मोमिनों 50% आदमी हर रोज जमात खाने आते हैं, कहीं कम आते हैं, कहीं ज्यादा आते हैं, कहीं 30% आते हैं, कहीं 60% आते हैं। मैं एवरेज आपको बात कर रहा हूँ, ईस्ट अफ्रीका की नहीं, इंडिया की नहीं, मैं अमेरिका की और कनाडा की बात करता हूँ। 50% से ज्यादा हम लोग शाम को जमात खाने आते हैं और 20% से 25% सुबह आते हैं। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, किसी मजहब की ये एवरेज नहीं है जितनी हमारी है। सुबह के वक्त चर्च तो बंद होते हैं, संडे को खोलते हैं, मस्जिदें यूं खुली हैं लेकिन अंदर नमाजी नहीं है। ये तो डॉक्टर इकबाल 60 बरस पहले रोते रोते गए कि मस्जिदें रोती हैं कि नमाजी नहीं है। मुसलमानों की आदत बहुत बरसों से ये चली आती है, हमारे ऊपर अटैक करने की पता है वजह क्या है? ये हजर इमाम, हमने हजर इमाम को पकड़ा हुआ है। इसके लिए बहुत से दूसरे लोग वो अंदर से जलते हैं। हम नहायत ही खुशनसीब हैं कि इमाम के दामन में बैठे हैं, उसके साये में बैठे हैं। फिर सदरदीन कहते हैं कि पहले मोहम्मद को बूझो। मोहम्मद कौन है भला? ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कह दो तो आदमी मुसलमान नहीं है। हालांकि हम इस्लाम के अंदर ये सीखते हैं कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, बिल्कुल सच बात है। हमारी दुआ में यही है, कुल कहो हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह जो है वो बिल्कुल अकेला अकेला है, उस जैसा और कोई नहीं। ये हमारा मजहब की बुनियाद है। मगर ऐसा ही कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहो तो मुसलमान नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना ही पड़ता है, क्योंकि मोहम्मद ने हमको कहा कि अल्लाह एक है, और मोहम्मद के ऊपर अगर हमारा ईमान नहीं तो अल्लाह के ऊपर भी ईमान नहीं। अल्लाह तो दिखता नहीं है, मोहम्मद तो नजर आता था, बैठता था, बातें करता था, बातें सुनाता था, बातें सुनता भी था हमारी। तो क्या रसूलुल्लाह जिसको हम मोहम्मद का कलमा पढ़ के मोहम्मद कहते हैं, वो पाक नबी इस दुनिया से गुजर गए तो क्या इस्लाम साथ ले गए? नबुवत तो खत्म हो गई, बिला शक खत्म हो गई, मगर नबी का नूर बाकी रहा, और वो नबी का जो नूर है वो इमाम है, जो अल्लाह का भी नूर है, नबी का भी नूर है। जिस तरह से खाली अल्लाह का नाम लेके हमारी नमाज हमारी इबादत कबूल नहीं होती, मोहम्मद का नाम लेना ही चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से खुदा के हुक्म से अल्लाह रसूल और इमाम उसकी जरूरत है।
ہم اپنی دعا کے اندر جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی تابعداری کرو، محمد کی تابعداری کرو اور امام کی تابعداری کرو. ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی، اس آیت کے لیے شیعہ اور سنیوں میں تفاوت ہے. ہم کو اپنی ہسٹری بھی پڑھنی چاہیے. تفاوت کیا ہے آج میں آپ کو تھوڑا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ ینگسٹرز جنہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں نہیں پڑھی ان کو اس بات کی سمجھ ملے. میں تھوڑی ڈیٹیلز میں جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارے مذہب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم کو حضرت امام کی امامت کے لیے دوسروں کو بات کرنے میں یہ علم ہمیں بہت مدد کرے گا. نبی کریم نے 40 برس کی عمر میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لوگوں نے قبول نہیں کیا، خاص طور پہ جو رسول اللہ کی جو بنی قریش ہے، ان میں چاچے مامے نانے تائے جو رسول اللہ کے رشتے دار تھے، بزرگ تھے، وہ سب ہنسنے لگے. کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جتنا عمر کا بڑا ہوئے اس کی اتنی عزت بڑی ہوئے، اور وہ لوگ نبوت یا علم کو مانتے نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ نے کہا کہ تو سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو یہ پیغام پہنچاؤ. مرتضی علی کو کہا، مرتضی علی اس وقت 10 برس کے تھے. ابھی دیکھو، ایک دیکھنے کی بات یہ کہ 10 برس کا لڑکا کیا کرتا ہے. مرتضی علی کو کہا، علی دعوت کا بندوبست کرو. دعوت کا کیا بندوبست کرنا؟ مرتضی علی ایک بکرے کی ٹانگ لے آئے، 5 روٹیاں لائے، دودھ کا ایک پیالہ لائے، اور آدمی کتنے؟ 40 آدمی. اور 40 آدمی کیسے آدمی؟ جب یہ دعوت کی نبی نے اپنے چاچاؤں کو وغیرہ کو، بزرگوں کو بلایا، 40 آدمی ان کے سامنے جب یہ کھانا رکھا تو ہنس پڑے، محمد کیا ہم سے تو نے مزاق کیا؟ یہ ایک آدمی کا بھی کھانا پورا نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں، چاچا شروع تو کرو، بہت کچھ آئے گا. مرتضی علی نے بکرے کی ٹانگ جو سب سے پہلے بیٹھا تھا لیفٹ سائڈ سے شروع کیا، اس نے ایک بوٹی توڑی، پھر روٹیاں رکھی تو روٹی کا لقمہ توڑا، دودھ کا پیالہ دیا، تھوڑا دودھ پیا، دوسرے نے ایک بوٹی توڑی، روٹی توڑی، دودھ پیا، ایسا 40 کا ایک چکر پورا ہوا، دوسرا چکر شروع ہوا، تیسرا چکر شروع ہوا، چوتھا چکر شروع ہوا، 8-10 چکر چلتے رہے، سب نے کھایا، پیٹ بھر گئے، آدھی روٹی بھی باقی تھی، اور ٹانگ کے ساتھ تھوڑا گوشت ابھی تک لگا ہوا تھا، دودھ میں تھوڑا پیالے میں تھوڑا دودھ بھی بچ گیا. ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، پیٹ بھر گئے ہیں، اتنا کھایا مگر یہ کھانا ختم نہ ہوا. محمد تو نے ہم پہ جادو کیا ہے. یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، یہ کرامت تھی. اب رسول اکرم نے کھڑے ہو کے کہا کہ خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میرا پیغام یہ ہے کہ تم میرے اوپر، میری بات پر یقین کرو، ایمان لاؤ کہ میں خدا کا نبی ہوں. وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. کون میری مدد کرے گا اس بات میں؟ تو کسی نے جواب نہ دیا، ہنستے رہے. 10 برس کے لڑکے نے، مرتضی علی نے کھڑے ہو کے کہا، یا محمد میں آپ کی مدد کروں گا. فرمایا تم بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ بھی جب کہا تو مرتضی علی کو پکڑا، گلے لگا کے کہتے ہیں، آج سے تو میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے. مرتضی علی کہنے لگے، یا نبی اللہ کی قسم، آپ کے خلاف جو جائے گا میں اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا. ان سب کو یہ اعلان ہو رہا تھا. ان تمام باتوں میں جو ہسٹری میں ہیں، ان کے اندر بھید کیا ہے، میں آج وہ بتانا چاہتا ہوں. 40 برس کا ایک آدمی کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور 10 برس کا ایک لڑکا کے جو ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوا،
इन दोनों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि सारी दुनिया की किस्मत बदल डालनी है। लोग हंस के उठ के चले गए और जमाने ने देख लिया कि इन दोनों ने सारी दुनिया की किस्मत बदल डाली। आज दुनिया के अंदर हर 5 आदमी के बाद एक मुसलमान है। नबी करीम की इस करामत को, मौजजे को हमें जानना और समझना चाहिए। इतना बड़ा नबी के तमाम नबियों का सरदार, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मुंह से जो कलाम निकला है वो इलाही कलाम है कि आज तक कुरान शरीफ का जो चैलेंज है किसी ने पूरा नहीं किया। कुरान के अंदर जो चीजें मौजूद हैं किसी इंसान की ताकत नहीं उसको लिखना। अब सवाल पैदा यह होता है कि रसूल अकरम ने मुसलमान बनाए और इतनी कामयाबी मिली कि किसी नबी को इतनी कामयाबी जिंदगी में नहीं मिली। मूसा अलैहिस्सलाम की सारी नबूवत के दरमियान बनी इसराइल 40,000 भी नहीं थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब गुजर गए, यानी लोगों के कहने के हिसाब से मैं कहता हूँ, बगैर नसूली पे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं चले, मगर 100 आदमी भी ईसा नबी को मानने वाले उस वक्त नहीं थे। और नबी करीम जब गुजर गए तो उस वक्त 2.5 लाख आदमी तो सिर्फ मदीने में थे मुसलमान, और दूसरे इलाकों के अंदर मुसलमान हो चुके थे। 4 से 5 लाख मुसलमान रसूल की हयाती में हो गए थे। कितनी बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह थी जो अरबों के अंदर थी ना, कि बड़ी उम्र के दर्जे के जो लोग हैं उनके सामने उनके छोटे उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसी बात ने मुर्तजा अली की इमामत को मानने से रोका, क्योंकि जब मुर्तजा अली 10 बरस की उम्र के अंदर इन्होंने नबी की मदद की और 23 बरस नबूवत करके नबी करीम गुजर गए तो 33 बरस की उम्र थी मुर्तजा अली की, और इनको अपने वजारत सौंप गए कि मेरे बाद ये तुम्हारा मौला है और ये इमाम है। सबसे बड़ी यही तकलीफ थी कि 50-60-70 बरस के जो लोग थे वो इस 33 बरस के जवान की बात नहीं मानते थे, उसके हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते थे, और ये झगड़ा हजरत उमर ने खड़ा किया। हजरत उमर उस वक्त 70 बरस के करीब थे। ये जी झगड़े की जो चीज है, हम हर एक इस्माइली बच्चे को जाननी चाहिए कि नबी करीम ने गदीर खुम पे अली का हाथ पकड़ के खड़ा किया, ये सच बात है, कोई इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अभी लगभग कुछ बरस हुए हैं, 20-25 बरस, कि कुछ स्कॉलर ये कह रहे हैं कि गदीर खुम का वाकया बना ही नहीं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं तो इनकार कर दिया। मगर जो समझदार हैं, इलम वाले हैं, वो इनकार नहीं कर सकते। सुनियों के 30 आलिमों ने इस बात का जिक्र लिखा है कि गदीर खून का वाकया हुआ है। इस हदत ये फरमाते हैं कि तुम नबी मोहम्मद को जानो तो तुमको इमाम की खबर मिलेगी। एक अकल की बात है कि अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, 1,24,000। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा थे, तो मोहम्मद मुस्तफा के बाद जबकि दुनिया खराब हो रही है दिन ब दिन, खुदा ने नबूवत बंद कर दी, तो क्या खुदा ताला ने अपने बंदों की हिदायत बंद कर दी? जब ज्यादा जरूरत है हिदायत की उस वक्त खुदा ने अपनी नबूवत का सिलसिला बंद करके बंदों से अपना हाथ उठा लिया? अल्लाह की सिफत में यह चीज नहीं है, सिलसिला जारी रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं जो अकल की बात है। बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा है अपने बाप का, मगर मां के पेट से पैदा हुआ,
माँ ही की गोद में रहा, माँ का दूध पिया, माँ ने बड़ा किया। बाप आता है, बच्चे से थोड़ा खेलता है 5-10-20 मिनट, अपने काम पे चला जाता है। बच्चा 24 घंटे माँ के साथ रहता है। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तैसे तैसे माँ से दूर हट रहा है। खेलने के लायक हो गया तो माँ को छोड़ के खेल में पड़ जाता है। यूं करते करते जब वो 8-10 बरस का हो गया, पुराने जमाने की बात करता हूँ और अभी नए बाने की भी करता हूँ। पुराने जमाने में क्या था कि 8-10 बरस का बच्चा हो जाए तो बाप के साथ या काम पर या दुकान पे चला जाता था, आजकल स्कूल में चले जाते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब बच्चा जवान होता है तो माँ से हट जाता है, तो बाप के नजदीक आ जाता है। बाप उसको दुनिया में बिजनेस सिखाता है, कमाई करना सिखाता है, रोजी कमाना सिखाता है, और सोशल एक्टिविटीज के अंदर किस तरह जिंदगी गुजारी जाए ये सिखाता है। माँ का काम यह था कि उसको परवरिश करके बड़ा कर दे रहे। अब माँ का काम नहीं रहा। नबूवत जो है वो माँ है। दुनिया के अंदर जब इंसानियत पैदा हुई, सिविलाइजेशन आई, तमद्दुन आया, तहजीब आई, उन वक्त के अंदर माँ की जरूरत थी, यानी नबूवत की जरूरत थी। नबी ने कहा झूठ मत बोलो, दगा फरेब मत करो, एक दूसरे से मिल के रहो, हसद न करो। अदब आदाब की जो चीजें थी मजहब की, उसकी बुनियादी चीजें नबियों ने बताई इंसानों को। और यूं तहजीब बढ़ती गई, हजारों साल हो गए इस बात को। रसूल अकरम के जमाने के अंदर दुनिया ऐसी हो गई थी कि अब उनको नबी की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल गाइड की जरूरत थी, जिसको हम इमाम कहते हैं। जो लॉज थे वो पूरे हो गए, रसूल अकरम की नबूवत के ऊपर शरीयत मुकम्मल हो गई, मजहब मुकम्मल हो गया, और अल्लाह ने आखिरी आयत ये कह के आज मैं तुम्हारे दीन को मुकम्मल करता हूँ। अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन पूरा हुआ। कब कहा? जब गजीर में अली की इमामत का डिक्लेरेशन हुआ तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ये दीन किसने मुकम्मल हुआ? इमामत जाहिर करते वक्त नबूवत खत्म हो गई, इमामत जारी हुई, ये दीन की तकमील थी, और उसके बाद इमामत का सिलसिला जारी रहा। रसूल की जो शरीयत थी, रसूल के जो हुक्म थे, वो आज तक भी कायम है, क़यामत तक चालू रहेंगे कि बदियां न करो, गुनाह न करो। और हम लोगों को मालूम है, वाजों में या फरमानों में या किताबों में हमने पढ़ा है क्या गुनाह है क्या गुनाह नहीं। और जहां हमको शक पैदा होता है तो इमाम हमारे पास मौजूद है कि कौन सी चीज करो कौन सी ना करो। ये इमाम का काम है जो बाप की तरह काम करता है। मोहम्मद रसूल अकरम की नबूवत हक है। इसके बाद कोई नबी कयामत तक नहीं आएगा और नबी की जरूरत भी नहीं। मगर इमाम जो है वो हमको दीन इस्लाम के ऊपर कुरान और वो हदीस के जो नबी की सच्ची हदीसें हैं, क्योंकि मैं आपको कह दूं निजारों कि हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसे बहुत से आलिम जो थे जिनको इमाम कहते हैं। इल्म के हिसाब से इमाम बुखारी थे, इमाम अबू मुस्लिम थे, इब्ने माजा थे, हाकिम थे। इस तरह 6 बड़े सुन्नी इमामों ने नबी की हदीसें इकट्ठी की, लेकिन नबी तो गुजर चुके थे, 150 बरस हो चुका था। 150 बरस के बाद ये हदीसें इकट्ठी करनी शुरू की हैं, हालांकि जबानी एक दूसरे को हदीस पहुंचती रही। सुनी इमाम बुखारी ने 14 लाख 1.4 मिलियन हदीसें इकट्ठी की, बड़ी मेहनत की उन्होंने। इन 14 लाख हदीसों को लोगों के साथ मिलके बैठे, एक एक हदीस देखते रहे। जो हदीसें 3-4 दफा लिखी गई उनको फाड़ दिया गया, जो
हदीसें दिमाग में नहीं आई, उनको फांस दिया गया। यूं करते करते लगभग 7,000 7,500 हदीसें इन्होंने निकाली। 14 लाख में से 7